Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। लगभग 247 एकड़ क्षेत्र में करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 750 बिस्तरों वाले इस संस्थान में प्रदेश वासियों को अत्याधुनिक एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्स हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने पर अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांद्रा बिलासपुर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए के मेडिकल डिवाइस पार्क और भारत माला परियोजना के तहत 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पिंजौर नालागढ़ फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल की भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूँ उसको तेज गति से लोग दोहराते हैं, इसलिए हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया। दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए देश में सिर्फ 3 राज्यों को चुना गया है, 3। हिमाचल है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम काम बड़ी मजबूती से करते हैं और आज की पीढ़ी के लिए भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। ये वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाया है। और इसलिए ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है। केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनको जयराम जी और उनकी पूरी टीम ने, उनकी सरकार ने भी बहुत तेज गति से और बड़े स्पिरिट के साथ उसको जमीन पर उतारा है और उसका दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने देवभूमि हिमाचल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा, यह हमारा सौभाग्य है
कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सारी बातें एक तरफ, जब जिक्र आपका आता है तो सारी बातें छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, सिर्फ आप ही आप होते हैं दिल में भी और दिमाग में भी। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हिमाचल की जनता की भावना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, पर आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। जहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन की रस्म और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी रस्म जो है उद्घाटन की पूरी होगी, हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल दिवस पार्क और हिमाचल के लोगों के लिए हमारे पिंजौर से नारागढ़ की जो फोर लेन, इनका भूमि पूजन भी आज आपके कर्तव्यों द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 3653 करोड़ रुपए के हिमाचल के लिए आज विजयदशमी के अवसर पर हमको भेंट दे रहे हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी के साथ इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप जो है, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो है आगे बढ़ाने, और उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम सफल भी हुए। गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की रथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ढालपुर मैदान में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री ने भगवान रघुनाथ को नमन किया। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कुल्लू जिले के कोने कोने से आए देवी देवताओं की सुंदर पालकियों के साथ निकली भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साक्षी बने। और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।